अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो चिकन दो प्याज़ा है, और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बड़े ही आराम से बन जाती है और बहुत ही मज़े जायके वाले होती है। और ये तो रेस्टोरेंट वगैरह में लोग इतने पसंद से खाते हैं और बहुत ही फेमस है। और ये बहुत ही सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि ये सिंपल और एक ट्रेडिशनल डिश है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। पहले हमने आधा किलो का ही मेजरमेंट रखा है, तो आधा किलो चिकन हमने ले लिया है। और इसके लिए हमने दो प्याज है जो मीडियम साइज़ की है, थोड़ा क्यूब्स के आकार में मैंने काट लिया है। और इसके साथ ही हमने ये तीन सूखी मिर्च रखा है और तीन थोड़ा पीली हो रही मिर्च रखा है, तीन हरी मिर्च रखा है, चार सूखी मिर्च है। ये सब चीज़ें अलग हम इसको बाद में डालेंगे, लास्ट में एक तरह से इसका बघार डाला जाता है। तो ये है, और हमारी 150 ग्राम करीब ये दही है, और तीन मीडियम साइज़ की, दो मीडियम साइज़ की प्याज है, मैंने इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और दो टमाटर है मीडियम साइज़ के, और अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच है, 2 टेबल स्पून है, और थोड़े से गरम मसाले हैं, 3 दालचीनी, और ऐसे थोड़े थोड़े बस हरी इलायची 3, एक बड़ी इलायची, काली मिर्च, बहुत थोड़े से सामान है ये। और ग्रीन कोरिएंडर है, ये तो लास्ट में जाएगी, इसको देखें 1 टीस्पून नमक है, आधा किलो के हिसाब से 1 टीस्पून से थोड़ा कम है। थोड़े से बॉर्डर मसाले हैं जिसमें कि 1/2 टीस्पून हमारी लाल मिर्च है, जो कि इन मिर्चों के साथ के हिसाब से ये देखते हुए थोड़ा सा लिया मैंने कम। 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून भर के हमारा धनिया पाउडर है, और 1/2 टीस्पून हमारा जीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून हमारा गर्म मसाला है। तो बस इतनी ही चीज़ें होती हैं, सिंपल सा और बनने में भी बहुत आसान होता है। तो चलिए हम तेल गर्म है, देखते हैं, कढ़ाई की तरफ बनाना शुरू करते हैं। तो ये तेल गर्म है, तो हमें सबसे पहले हम इसमें अपना खड़ा मसाला डालेंगे गर्म, इसको सौते हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम अब इसमें अपनी प्याज डालेंगे, हल्का सा सोटे हो जाए, उसी फ्लेवर से आ जाए, बस हम इसमें प्याज डालते हैं। तो ये हो गया है, हम इसमें अपनी प्याज डाल लेते हैं, और प्याज को हम थोड़ा सा सोटे करेंगे, थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, गोल्डन, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी देखिए प्याज हो गई है। अच्छा, हमारा तेल तो शायद हमने बताया नहीं, तेल हमारा 100 ml से कम था, करीब 70 से 80 ml होगा, क्योंकि हमारा चिकन अभी आधा ही किलो है, उस हिसाब से हमने तेल रखा था। अब हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे, और इसको हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। तो ये हमारा चिकन वो हो गया, थोड़ा सा वाइट सा हो गया इसका, और थोड़ा सा इसका जो भी पानी था वो खुश्क हो गया। अब हम इसमें अपना डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके साथ साथ चिकन भुनेगा, थोड़ा चलाएंगे, मिक्स करेंगे इसको, नीचे ऊपर से कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अदरक लहसुन का 2-3 चम्मच है, इसका पानी पूरा खुश्क हो जाने तक हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तो हमारा चिकन बहुत ही अच्छा खुशबूदार बनेगा। ये चिकन देखिए अच्छे से फ्राई हो गया, तो पूरा अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल घुल गया है, और ये कच्चे इसमें लिख के अदरक लहसुन भी बहुत ज़रूरी होता है ख़त्म हो जाना, तो ये पूरी तरह से अदरक लहसुन का कच्चा रॉ स्मेल ख़त्म हो गई होगी। अब हम इसमें दही डाल देते हैं, थोड़ी सी बचा लेते हैं अदरक लहसुन, करीब 100 ग्राम डाल, 150 ग्राम हमने डाल देना बचा लिया है, क्योंकि हमारा चिकन आधा ही किलो है। इसमें डालते हैं, इसमें छेड़ते हैं, और इसमें अगला मसाले भी डाल देते हैं, इसमें इसमें हमारा नमक है, और हम ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, गर्म मसाला ऊपर से डाल देंगे, मसाले डाल दे रहे हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, गर्म मसाला बचा लेते हैं, इसको चला देंगे। हमारा चिकन अच्छे से घी में तेल में अच्छे से फ्राई हो गया है, और हमारी सिर्फ ये दही को पकाना है हमको, इसके साथ ही हम टमाटर डालेंगे और हम इसमें डेढ़ लगाएंगे, ये सब चीज़ें हम एक साथ रख देंगे, गलेगा और अच्छे से सॉफ्ट होगा और चिकन भी सॉफ्ट होगा, उसके बाद हम भून लेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है बहुत ही अच्छी तरह से, अब इसमें इसका इसका चिरौरी लगती है, इसका बॉयल भी आ गया, अच्छे से पूरा चिकन पक रहा है, और हम इसमें लगाते हैं लिड और गैस स्लो करते हैं, और करीब 5-7 मिनट हम चिकन गलने के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम भूनेंगे, और बहुत जल्दी हमारा चिकन तैयार हो जाएगा, फिर हम अगला इसको खोल के देखते हैं। स्लो फ्लेम पर ये करीब 7 मिनट से ये चढ़ा हुआ है, पक रहा है, इसको हम देखते हैं, आज तेज कर दिया हमने, अब इस चिकन हमारा सॉफ्ट हो गया होगा। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और इसको भून लेते हैं, और बस 2 से 3 मिनट लगेगा, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। हमारा चिकन भून रहा है, जब से हमने इसमें एक पैन में तेल गर्म किया है, ज़्यादा तेल नहीं है, 2 टेबल स्पून तेल है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी इस तरह की जो क्यूब में काटी हुई प्याज थी, और इसको काफ़ी हद तक हमने पूरा खोल लिया है, और जो नहीं खुली हो तेल में अपने आप खुल जाएगी। इसमें हम सब डाल के इसको फ्राई करते हैं हल्का सा, इसको सोते करेंगे, और ये हमारी 4 सूखी मिर्च है, ये भी डाल देते हैं साथ में, ये भी हो जाएगी। तो
तो दो दो मिनट मुश्किल से लगेगा इसको, हम हल्का हल्का करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा डार्क। तो देखिए हमने इसको प्याज को 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट पूरा भी नहीं है मैंने इसको पकाया है, और मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट हमने इसको थोड़ा चलाया है मीडियम आँच पे। और ये प्याज जिस तरह की चाहिए हमको हो गई है, हल्की सी सॉटे हो गई है और थोड़ी सी क्रंची थी, आधी गली आधी पकी। बस हम फ्लेम बंद करते हैं और हम चिकन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह भुन गया है, इसका दही टमाटर का जो भी पानी था अच्छे से ये भुन गया है। बस तैयार है हमारा ये चिकन। अब हम इसमें ये डाल देंगे अपनी प्याज। देखिए कितने इजी स्टेप में ये हमारा चिकन 2 प्याज़ा बन के तैयार है। और अब हम इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा सा 1 कप पानी जितनी हमको इसमें ज़रूरत है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा पतला भी कर सकते हैं इसका सालन, लेकिन वैसे इसकी रेसिपी जैसे बनाई जाती है थोड़ा सा हल्का सा सलसला होता है, हल्का सा ही पानी लगता है और थोड़ा गाढ़ा सा सालन होता है, तो सूखा सा बहुत सूखा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। बस ये इसको हम मिक्स करते हैं और खुला ही हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, बस अच्छे से एकसार हो जाए प्याज और सब, और हमारा चिकन 2 प्याज़ा बिल्कुल बन के रेडी है। तो बस अच्छे से मिक्स हो गया है, 2 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा 2 मिनट पका, अभी कितना देखिए कितना मज़ेदार इसका रंग रूप कितना अच्छा तैयार हुआ है ये हमारा चिकन 2 प्याज़ा। तो बस 2 मिनट पका के ये थोड़ा सा जो प्याज और हमने बघार डाला है वो एक सा हो गया है। बस तैयार है हमारा चिकन 2 प्याज़ा, हम इसको डिश आउट करते हैं। तैयार है हमारा चिकन 2 प्याज़ा, बड़ा ही मज़े का बन के फटाफट बहुत इजी स्टेप में बनता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। सबसे बढ़ के मैंने इसे बहुत ही इजी स्टेप कर दिया है, सारी वो ओरिजिनल ट्रेडिशनल वाली ही इसका वो है तरीका है, लेकिन बस इसे मैंने स्टेप बहुत ही फॉलो आसान कर दिया है, जिसे आप फॉलो करते हुए बड़े आराम से बना सकते हैं। आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, कमेंट करें और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें। अल्लाह।